हेलो एवरीवन, भारत इस समय कोरोना वायरस पेंडेमिक से तो लड़ ही रहा है, लेकिन इसी दौरान एक और हेल्थ रिलेटेड चैलेंज भारत में एंटर कर चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोरो वायरस की। जी हाँ, नोरो वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है और नोरो वायरस का पहला जो केस देखा गया है वो केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। अब मैं इसके पीछे की आपको कहानी बताता हूँ। केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के वेटनरी कॉलेज में 13 वेटनरी स्टूडेंट्स के में वोमिटिंग और डायरिया की शिकायत हुई और जब उनका सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया तो नोरो वायरस का जो इन्फेक्शन है वो कन्फर्म पाया गया। तो आखिर ये नोरो वायरस है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका प्रिवेंशन क्या है, ये सब बताने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास बताता हूँ। तो नोरो वायरस का पहला केस 1968 में नॉर्वाक ओहियो यूएसए में देखा गया था, जहां एक ब्रॉन्सन एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों में वॉमिटिंग और स्टमक पेन की शिकायत हुई। और जब बाद में साइंटिस्टों ने इसके पीछे का कारण पता लगाना चाहा तो पता चला कि ये तो वायरल इन्फेक्शन के कारण है और इसी वायरस को बोला क्या, नोरो वायरस। और अब इस वायरस ने भारत में एंट्री कर दी है। जी हाँ, और केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में नोरो वायरस का आउटब्रेक कन्फर्म कर दिया है वहां की केरला गवर्नमेंट ने। और रिसेंटली केरला हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने लोगों के लिए पब्लिक गाइडलाइंस भी इशू कर दिए हैं ताकि लोग अवेयर हो और सेफ हो और फर्दर ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। अब बात करें इसके डिफिनीशन की, तो नोरो वायरस है क्या। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए, नोरो वायरस इज ए ग्रुप ऑफ वायरस दैट इज हाईली कंटेजियस। और इस नोरो वायरस के इन्फेक्शन के कारण अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में लोगों को स्टमक पेन की शिकायत होती है, लोगों को वोमिटिंग होती है, लोगों को स्टमक पेन होता है और इसीलिए इसका एक निक नेम और है, स्टमक बग। जी हाँ, नोरो वायरस को स्टमक बग भी कहा जाता है। और ये देखा गया है कि नोरो वायरस का इन्फेक्शन नवंबर से अप्रैल पीरियड, जब कि इंडिया में ठंडी होती है, इस समय ज़्यादा ये इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसे विंटर वोमिटिंग बग भी कहा जाता है क्योंकि विंटर में ज्यादा होता है और इसके इन्फेक्शन के कारण वोमिटिंग होता है, इसलिए इसका एक निकनेम और है, विंटर वोमिटिंग बग। अब बात करें ये स्प्रेड कैसे करता है। तो नोरो वायरस स्प्रेड करता है मुख्यतः तीन कारणों की वजह से। तो पहला रीजन क्या है, एक कंटामिनेटेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में यह ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करने से ये हेल्दी पर्सन में नोरो वायरस का इन्फेक्शन आ सकता है। और नोरो वायरस के जो पार्टिकल्स हैं उस वो अगर किसी सरफेस पे हैं और ऐसे कंटामिनेटेड सरफेस को अगर आप टच करते हैं और फिर अपना हैंड वॉश नहीं करते तो भी ये इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन में हो सकता है। तो ये तो हो गई बात किसकी, सिम्टम्स की और कंटामिनेशन की। लेकिन अब बात करें कि इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। जी हाँ, नोरो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 24 से 48 आवर्स का रहता है, यानी कि अधिकतर लोग 2 से 3 दिन में इस इन्फेक्शन से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में जहाँ ये केसेस सीरियस होता है वहाँ डायरिया की शिकायत देखी गई है, लूज मोशन की, डिहाइड्रेशन की शिकायत देखी गई है। तो वहाँ ये रिकमेंड किया गया है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन होता है वायरल इन्फेक्शन से तो आप ORS भी यूज कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जो इस बात नोरो वायरस के बारे में ध्यान रखनी है कि अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे तो ये इन्फेक्शन आप तक नहीं फैलेगा। जी हाँ, चांस बहुत ही कम है। और खास तौर से एनिमल से थोड़ी दूर बनानी है क्योंकि एनिमल से भी ये फैलता है, क्योंकि ये एनिमल बॉर्न वायरस भी है। जी हाँ, और छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो ये रहा नोरो वायरस के बारे में हेल्दी इंफॉर्मेशन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।